जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक शक्तिशाली योगिनी साधना लेके आया हूँ। मेरे व्यूअर्स मुझे बता रहे थे कुछ साधना के बारे में बताने के लिए, जो साधना कर सके। तो आज का ये जो मैं वीडियो लाया हूँ, ये एक योगिनी साधना के ऊपर बेस है। ये साधना आप लोग घर में बैठकर नहीं कर सकते हैं, ये साधना करने के लिए आपको श्मशान भूमि में जाना पड़ेगा। साधना 3 दिन का है, शक्तिशाली साधना है। 3 दिन का अनुष्ठान करने से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आप लोगों को हर इच्छित वस्तु का प्राप्ति हो जाएगा। यानी कि कोई भी इच्छा लेकर इस मंत्र का अनुष्ठान अगर करेंगे तो इच्छित वस्तु का प्राप्ति हो जाएगा, और या ऐसा भी मान सकते हैं आपका हर मनोकामना पूर्ण हो सकता है इस मंत्र का साधना करने से। ये मंत्र साधना आसान नहीं है उतना, मंत्र साधना थोड़ा कठिन है। और कोई भी साधना, तांत्रिक साधना, कोई भी साधना करने के लिए अपने आप में, खुद में बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा दम चाहिए। इसीलिए ये साधना को वीराचारी साधना बोला जाता है। ये साधना ऐसा नहीं है कोई लॉन्ग मुँह में रख दिया, एक दिन का ये कर दिया, एक दिन का वो कर। साधना करने के लिए कम से कम 11 दिन, कम से कम 21 दिन, 41 डेज, 31 डेज, यह साधना का कुछ रीति नीति है। मैं कभी एक वीडियो में चर्चा करूँगा इस विषय को लेकर। आज का ये जो साधना है, ये साधना 3 दिन का साधना है। 3 दिन का साधना, इसका अर्थ सोच सकते हैं, 3 दिन का साधना यानी कि बहुत ज़्यादा शक्ति एवं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा आपको इस साधना करने के लिए, एवं बहुत ज़्यादा मंत्र का अनुष्ठान भी इसमें आपको करना पड़ेगा, और ये साधना आपको श्मशान भूमि में जाकर करना पड़ेगा। आगे मैं अपने वीडियो में आपको विस्तारित इस साधना का विषय में आपको बता रहा हूँ। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मेरे व्यूअर्स, ये जो अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान किसी भी शुभ तिथि को आप अनुष्ठान कर सकते हैं। सामने नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि के समय भी ये अनुष्ठान को आप कर सकते हैं, या आपका मनपसंद कोई भी शुभ तिथि, जिस तिथि में आपको सही लगता है उस तिथि में ये अनुष्ठान आप लोग कर सकते हैं। अनुष्ठान को करने के लिए आपको क्या चाहिए? अनुष्ठान करने के लिए जब भी श्मशान भूमि में जाए, साथ में किसी को लेकर जाए, अकेला मत जाए। श्मशान भूमि में जाकर वहाँ पर बैठे सामान्य कांडो जिसको बोलते हैं, उस नित्य कर्म आदि सामान्य कांडो आपको करने के बाद ये मंत्र का मंत्र नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हिंदी में शायद बोला जाता है विवरण बॉक्स। तो विवरण बॉक्स नीचे होगा। नीचे कैसे ओपन करेंगे? उसको एक एरो साइन है, वो एरो साइन को दबाने से आपका बॉक्स नीचे का पूरा पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं तो मैं क्या बताऊँ। तो फ़ोन में पूछा जाता है ये कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इसलिए वीडियो में मेंशन कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसे आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे मंत्र दिया हुआ है। मंत्र बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं, गुरु जी मंत्र हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में, बंगाली में, इतना भाषा में मंत्र अगर लिखूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा समय जाएगा, इतना समय मेरे पास है नहीं मंत्र लिखने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा हर मंत्र को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखने के लिए। साबर मंत्र, जिस दिन मैं ज़्यादातर मेरा मंत्र बोला हूँ मंत्र साबर मंत्र है, तो साबर मंत्र का उच्चारण इंग्लिश में पूरा मैंने एग्जैक्ट सही ना होने के कारण मुझे लगता है एग्जैक्ट सही उच्चारण नहीं हो सकता, इसीलिए मंत्रों को मैं हिंदी में देता हूँ। आप लोगों को अगर हिंदी समझ में थोड़ा असुविधा होता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो किसी जो हिंदी भाषा जानते हैं, जैसे मैं बंगाली हूँ, मुझे भी हिंदी भाषा मातृभाषा नहीं है, मैं बंगला सीखा हूँ, बंगला पढ़ा हूँ, तो हिंदी में सीखा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, पढ़ने के बाद मैं हिंदी सीखा। ऐसे भी आप लोगों को कोई भाषा समझ में नहीं आता है तो उसको स्क्रीनशॉट लगाइए, लगाने के बाद जो हिंदी भाषा जानते हैं उसे इस भाषा को ट्रांसलेट कर लीजिए या उससे सीख लीजिए भाषा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी मैं आप लोगों के सुविधा के लिए मंत्र को इंग्लिश में दूंगा। तो आज का ये जो मंत्र रहेगा वो मंत्र रहेगा नीचे श्मशान भूमि में। जब आप लोग अनुष्ठान करने के लिए जाए, अनुष्ठान के समय आपको साथ में लेके जाना है कलेजा, कोई भी अगर चिकन का हो या बकरे का, कोई भी चीज़ का कलेजा आपको साथ में लेके जाना है। आपको साथ में लेके जाना है फ़िश, कोई भी मछली का एक पीस फिश लेके जाना है, और शराब का थोड़ा सा शराब आपको लेके जाना, कुल्हड़ में शराब आपको देना है। ये सारे सामग्री साथ में रखना है। लोबान का धुना जलाना है, दिया जलाना है। जलाने के बाद ये मंत्रों का आपको 3 दिन तक अनुष्ठान करना है, लगातार 1008 बार मंत्रों को जाप करना है। 1008 बार मंत्रों को जाप करने के बाद आपको सारे भोग सामग्री वहीं पर छोड़कर वापस अपने स्थान पर लौट जाना है। ऐसा अनुष्ठान अगर 3 दिन आप लोग करते देखिएगा, 3rd दिन ही आपको समझ में आ जाएगा, महसूस हो जाएगा, जब आपको कोई आवाज़ लगा रहा है, आपसे कोई कुछ बोल रहा है, या आपको आपका आजू बाजू चारों दिशा में आपको कुछ ना कुछ आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, जब आपको लग जाएगा जब ये मंत्र का अनुष्ठान करने से मुझे ये परिवर्तन हो रहा है। जब भी आपको परिवर्तन आपको दिखे, तब जब तक आपके सामने आपका इच्छित देवता
सामने आकर बात ना करें तब तक अनुष्ठान को बंद मत करें। अगर 3 दिन के बाद भी अनुष्ठान आपको नहीं होता है तो 3 दिन करने के बाद अनुष्ठान को छोड़ दें, फिर 2 दिन गैप दे के बाद फिर से 3 दिन का अनुष्ठान करें। जब तक अनुष्ठान में सिद्धि ना हो, ये सावर मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र, इसको थोड़ा बहुत आत्मविश्वास, गुरु का नाम लेकर अनुष्ठान करने से ये मंत्र आपको जरूर फलदायी आपको होगा। इस मंत्र का सिद्ध करने के बाद आपको जिस भी कामना से उद्देश्य लेकर इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे वो कामना आपका जरूर पूर्ण होगा, इतना विश्वास लेकर मंत्र का अनुष्ठान करें। मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा, मंत्रों को कैसे अनुष्ठान करने में बोल दिया। जब भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा उसके बाद 108 बार मंत्र का पाठ करते हुए किसी भी कामना अगर कर कोई भी कामना अगर करते कोई भी मनोकामना अगर देवी को निवेदन करते हैं, ये कपालिनी देवी है, ये इसको योगिनी भी मानते हैं या योगिनी मानकर आप इसको पूजा कर सकते हैं। जब भी पूजा अर्चना करेंगे आप माता को जब भी निवेदन करेंगे माता वो आपका मनोवासना जरूर पूर्ण करेगा। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। हरिओम तत्सत।